चलो ये जरा इधर में चलो अपने वेदर ये है कि ज्ञापन पूर्व में दिया गया था आपको बड़ी गंभीरता से आपने फोन लेके बड़ी आत्मविश्वास आप में जगा कि निश्चित रूप से आप कोई ना कोई तो कार्रवाई करेंगे लेकिन दुर्भाग्य कार्रवाई होने की बजाय उन स्कूलों के तो हौसले बुलंद हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार के सीधे सीधे आदेश है कि री एडमिशन फीस कोई भी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल वाला नहीं लेगा। बावजूद इसके आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिला प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। जहां तक आपको जानकारी होगी कि अपर जिलाधिकारी नगर नोडल सेंटर प्रभारी होते हैं कॉन्वेंट पब्लिक स्कूलों के, एक सबसे ज्यादा सक्षम अधिकारी यदि कोई होते हैं, सबसे ज्यादा पावर किसी के हाथ में होती है तो एडीएम सिटी के हाथ में होती है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि आप चाहते कार्रवाई करना तो निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई करने का सही तरीका होना चाहिए। तरीका कौन सा? आप कार्यालय में आकर के कौन सा तरीका बात कर रहे हैं? ये लोग घरों में से निकल कर शिक्षा के नाम पर शिक्षा को व्यापार बना रहा है, ये इनका तरीका है। आप यहाँ पे आकर डिस्टर्ब कर रहे हो, ये तरीका? अच्छा, हम लोग डिस्टर्ब